ब्रेक के बाद भोजपुरी दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। अचानक मौसम ने ली करवट और जमकर आंधी के साथ पानी भी हुआ। इस बरसात ने कई किसानों के होश उड़ा दिए। कई किसान काफी ही प्रसन्न है। 40 घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से जो आंधी चली, इस आंधी से भी काफी नुकसान किसानों को हो रही है, लेकिन इस बरसात से कई किसानों को लाभ भी हो रहा है। आइए सुनते हैं इस पर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पीके द्विवेदी की बात। बेमौसम हुई बरसात से जहां किसान काफी ही परेशान हो गए, वहीं काफी कुछ किसान प्रसन्न भी हुए। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही आंधी से जहां आम के फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हुई है, वहीं दूसरी तरफ इस बारिश से परवल या अन्य लत्तेदार जो सब्जियां हैं उसे लाभ भी हुआ है। काफी देर तक इस झमाझम बारिश से किसान परेशान है, क्योंकि अभी उनका खेतों से जो गेहूं चना आई हुई थी अभी खेतों में ही है या खलियानों में ही है, लेकिन जिसको चलते इस बरसात से उन्हें काफी परेशानी हुई है। इस मुद्दे पर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पीके द्विवेदी ने भोजपुर दर्शन से बातचीत के क्रम में भी कई बातों की जानकारी देते हुए कहा कि किसान इस बरसात से कैसे लाभ उठा सकते हैं और इस बरसात से क्या क्या किसानों को नुकसान भी हुआ, इसके बारे में जानकारी दी। आज जो बारिश हुई है उसका फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि आज जो बारिश हुई ये साइक्लोन के प्रभाव के कारण बारिश हुई और जबरदस्त तेज हवाएं थी। कम से कम 40 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार की हवाएं चल रही थी और बारिश भी बहुत अच्छी तीव्रता के साथ हुई। इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो हमारी आम की फसल को हुआ है। आम के टिकोले अच्छे आकार के आ चुके हैं और इस हवा के और बारिश के कारण बहुत ज्यादा आम के पौधों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही साथ जो हमारे कुछ इलाके हैं जहां पर कि अभी गेहूं की कटाई हमारी हो गई थी लेकिन उसकी दौनी नहीं हुई थी, खास करके हमारा बढ़ारा का कुछ इलाका है, कुछ तरारी का इलाका है, कुछ हमारा पीरू का इलाका है, इन सारे इलाकों में जगदीशपुर में ये गेहूं के बोझे हमारे रखे हुए थे। इस जबरदस्त बारिश के कारण उनको भी नुकसान पहुँचा है और वो गेहूँ के बोझे हमारे भींग गए हैं, तो निश्चित रूप से उसकी जो दौनी है वो कहीं ना कहीं वो पिछात हो गई और साथ ही साथ जो गेहूँ की जो क्वालिटी थी उसके ऊपर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। इससे फायदा जो है हमारी कुछ फसलों को हुआ, जैसे परवल की फसल को इससे फायदा हुआ, हमारी लत वाली जो सब्जियां हैं उनको फायदा हुआ, हमारे प्याज की फसल को इससे नुकसान हुआ। प्याज की फसल को ऐसे नुकसान हुआ कि प्याज की फसल बिल्कुल तैयारी पर थी, सूखी हुई थी, कंद उसके बैठ चुके थे और अब उसकी कुड़ाई होने वाली थी, बाजार ले जाने की बातें हो रही थी, लेकिन इस बारिश के कारण अब कंदों में नमी आ गई तो उनके साथ भंडारण की भी समस्या होगी और साथ ही साथ उनकी कुड़ाई में भी दिक्कत होगी। तो ये मामला जो है थोड़ा सा प्याज के लिए नुकसानदेह हुआ, लेकिन बाकी जो सब्जियां हैं या गर्मा मूंग है उनके लिए इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ किसानों ने मक्की की खेती की है उनको भी इससे फायदा हुआ। मेरी ये सलाह होगी कि जितना जल्दी हो सके अगर आपकी फसल कुछ इस तरह की खेतों में पड़ी है तो उसको कहीं छायादार जगह में रखें और खास करके चना वगैरह की अगर फसल अभी भी कुछ लोगों की भी कट के रखी हुई है, थ्रेसिंग नहीं हुई है, तो उनको भी सलाह है कि वो जल्दी से जल्दी उसको थ्रेसिंग भी कर लें और नहीं तो जब तक थ्रेसिंग नहीं करते हैं तो उसको कम से कम ऐसी जगह पर रखें जहां पर कि बरसात का असर नहीं हो, क्योंकि बारिश की अभी भी संभावना बनी हुई है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी, हेड कृषि विज्ञान केंद्र भोजपुर जमाली फार्म। धन्यवाद।